सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आध्यात्मिक जीवन महाभारत जो हर समय चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और इसमें लड़ने वाले सब अपने, बाहर का कोई। ये लड़ाई अपने अंदर बैठे हुए एक आदमी से लड़ाई है, और इसकी जो त्रासदी है वो ये है कि जिस आदमी से हम लड़ रहे हैं आज तक हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। अंधेरे में तीर मार रहे हैं, लग जाए कहीं भी। पांडव कौरव भी अपने ही थे, सब भाई भाई थे, लेकिन आइडेंटिफाई थे। और कौन किसके साथ है ये भी आइडेंटिफाई थे। जिसके साथ आध्यात्मिक जीवन में लड़ाई होती है वो हम ही हैं, और जो लड़ रहा है वो भी हम। ये आई और मी की लड़ाई है। हिंदी में तो मैं और मैं की लड़ाई है, अंग्रेजी में कहेंगे से फाइट बिटवीन आई एंड मी। मी इज फाइटिंग अगेंस्ट आई विदाउट आइडेंटिफाइंग द आई। जिस शत्रु की पहचान ना हो वो बहुत भयानक भी होता है और बहुत इफेक्टिव भी होता है। और ये जो अंदर बैठा हुआ मैं है, अगर इसको आइडेंटिफाई कर लो, अगर इसकी पहचान कर लो, शनाख्त कर लो, तो इसके जैसा गंदा कमीना आदमी दुनिया में कोई नहीं। ये कामी है, क्रोधी है, कुटिल है, लालची है, जितने भी दुनिया भर के अवगुण हैं वो सब इसको प्रिय है। तो अगर हम इसको पहचान लें और प्यार से बिठाकर इससे बात करें कि भाई तू बहुत कामी है, थोड़ा छोड़ दे काम को, तू बहुत लोभी है, थोड़ा लोभ छोड़ दे, तू बहुत क्रोधी है, थोड़ा क्रोध छोड़ दे, तू सारा दिन दुनिया का अहित सोचता है, हित सोचने लग जा, तो बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है ये कहेगा शट अप, मैं नहीं सुनता कोई। क्योंकि अगर ये सब कुछ उसने छोड़ दिया तो फिर वो ही नहीं रहा। उसकी एग्जिस्टेंस जो है, उसका अस्तित्व जो है, वो तो पांच विकारों पर खड़ा है, और पांच विकार ही वो छोड़ दे फिर कहां रहेगा वो। लेकिन एक बच्चा जो बहुत ही जिद्दी है, अगर हम मन बना लें कि इसको सुधारना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको सुधारने से नहीं रोक सकती। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमने इस बच्चे को ऐसा नहीं ऐसा बनाना। उसकी ग्रूमिंग, उसकी काउंसलिंग, उसको प्यार दुलार डांट टपट जो भी कर सकते हैं, सही समय पर उचित ढंग से वो अगर हम करते रहें तो बच्चे को जैसा हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं।
तो वो जो अंदर बैठा दुष्ट है अगर उसके बारे में भी संकल्प बना लें कि हमने इसको पंच विकारी नहीं रहने देना है, अपने जैसा बनाना है, आई को मी में कन्वर्ट करना है, तो समय तो लगेगा। बच्चा भी एक दिन में सही नहीं हो जाता, समय तो लगेगा, धैर्य बहुत चाहिए। क्योंकि बच्चे को बार 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 समझाते हैं, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, तो हमारा धैर्य समाप्त हो जाता है, हम मारते हैं। बच्चे का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है, हमारा धैर्य समाप्त हो गया। तो अंदर बैठा जो मैं है, उस मैं में सब विकार हैं। बाइबल ने कहा ये वो नहीं करता, सैटन कराता है। कुरान ने कहा वो नहीं करता, शैतान कराता है। ये सैटन शैतान कोई भूत प्रेत उल्टे सीधे पैरों हाथों वाले नहीं है। ये वो शैतान या वो सैटन अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर कहीं नहीं। और बाइबल कुरान दोनों कहते हैं कि शैतान से परमात्मा भिड़कता है। गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा को भी कुछ नहीं समझता अंदर बैठा है। तो जब तुम किसी को समझते ही कुछ नहीं, तो उसका डर किसका? और ये स्वयं ही परमात्मा बनके बैठ जाता है। जितनी कहानियां वेदों पुराणों में आप लोगों ने पढ़ी सुनी है, हिरण्यकश्यप की कहानी या किसी और की या किसी और की, वो सब क्या कहते थे? भगवान कोई नहीं, मेरा नाम। तो उनके भी तो अंदर वो बैठा था, वो कोई ऊपर से उतर के शैतान तो आया नहीं था समझाने के। तुम हिरण्यकश्यप को ये बोलो कि पब्लिक में अनाउंस करो कि भगवान ईश्वर राम राम कोई नहीं करेगा, सब मेरा नाम लेंगे, या रावण के बारे में सुनते, अंदर ही बैठा। जो अंदर बैठा है उसको आप किसी एक सिंपल से माध्यम से नहीं मना सकते। उसके लिए आपको कई हथकंडे अपनाने हैं। प्यार भी करना होगा, लाड भी करना होगा, डांटना भी होगा, मारना भी होगा, पीटना भी होगा, कुट्टी भी करनी होगी कि जब बोलते ही आते ऐसे सारा। ये भी एक तरीका है, बच्चे के साथ कुट्टी कर दो, तो इसके साथ भी एक दिन करके देखो। ये मौन समाधि जो आप लोग करते हो, ये कुट्टी का है कि जब बोलना ही नहीं तेरे साथ, अगर वो नहीं हटेगा तो फिर बीच में आता रहेगा, बार 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 मौन समाधि में भी आता रहेगा, लेकिन जब कुट्टी कर दी बोलने ही नहीं आता रहे, हम तो नहीं बोल। तू कब तक अकेला बोल लेगा? एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, आखिर चला जाएगा निराश होकर कि सुनता ही नहीं। या जिस तरह से हमारी कुट्टी समाप्त हो सकती है उस तरह से करके दिखाएंगे कि ये लो जी, आप कहते हो 15 मिनट मैं नहीं आया करूं, बीच में मैं निकल से आता, अब खुश, अब तो बोलो, तो बोल पड़ो। इस मैं को मारना नहीं, हराना है। और हरा के भविष्य की तरह हरा के फिर लंका का राज्य भी इसी को देना है, वो भी नहीं लेना है। एक बार इसकी टेमिंग करनी है, इसको बंदा बनाना है साधारण भाषा में। और जब बंदा बन जाए फिर सारा राजभोग इसी को दे देना है, क्योंकि राजभोग मी को तो चाहिए ही नहीं, आई को ही चाहिए, तो तू सब ले। मेरे ध्यान में बाधा मत बन, मेरे और मेरे ब्रह्म के बीच में जो तार जुड़ा है उसको हाथ मत लगा, मेरा और उसका संवाद चलता है, उसके बीच में तू कहीं होना ही नहीं चाहिए, बाकी तेरी सारी बातें मान। तो जब जिसको अंग्रेजी में फॉल इन लाइन कहते हैं, जब उसको फॉल इन लाइन करा लिया फिर कोई समस्या नहीं। अभी आप लोग उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हो जहां आई और मी के बीच में
रेखा खींच सका, जहां अंदर के आदमी को आइडेंटिफाई कर सके। पहले उसको आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि मौन होके उसको बोलने, हम ही बोले जा रहे, वो बोले भी तो सुनता ही नहीं हमें, हम तो अपने बोलने में लगे हुए, उसको बोलने। और वो जो बोलेगा वो वही बोलेगा जो उसको आता है। वो कहेगा क्या पाप है चोरी करने में बताओ, सारे करते हैं, पर देखे ना कोई, पकड़े ना कोई, वो तो ये आंसर दे। तो जब उसको ये कहेगा तो हम उसको समझाएंगे कि इसका मतलब है तू मानता है ना कि चोर है, तू मानता है ना कामी है, क्रोधी है, कुटिल है, मानता है ना। अभी तक तो वो मान ही नहीं रहा। जब हम उसको मना लेंगे कि हाँ मैं कामी, क्रोधी, कुटिल सब हूं, तब कहेंगे कि अब शर्म कर, यही हो ना बंदा बन, ये क्या बन के बैठ गए। अभी तक तो वो जस्टिफाई कर रहा है हर गलत काम। मैंने लिखा भी है पुस्तक में, तुम लोगों ने पढ़ा, जस्टिफाई कर रहा है। मैंने क्या 500 रुपये ले लिए, कोई चीफ मिनिस्टर 5 लाख ले लिए, 5 करोड़ ले गया, फलाने इतने ले लिए, मैंने लिया है उसको पता है गलत काम किया है मैंने, रिश्वत ली, लेकिन वो जस्टिफाई कर लेते हैं फौरन उसको कि क्या होगी, क्या काम भी तो किया उसको। कोई भी काम दुनिया का गलत जितने भी हैं, पाप कर्म जिनको कहते हैं, हमारे अंदर का जो व्यक्ति है वो उस पाप कर्म को न्याय उचित ठहरा दे। और फिर दोबारा करना चाहिए, लेकिन अगर हम उस पर हावी हो जाएं तो फिर पांडवों के पास तो ले दे के कृष्ण भगवान ही थे, कौरवों के पास तो हजारों की सेना थी, जीत तो फिर सत्य में विजय थी। जीत तो सत्य की होती है, और सत्य क्या है, सत्य ये है कि ये जो अंदर बैठा हुआ आदमी है वो केवल इस शरीर से संबंधित है। जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन वो मैं भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसका संबंध केवल शरीर से है, इसलिए वो शरीर से परे सोच ही नहीं सकता। और जो दूसरा मय है वो शाश्वत मय है, उसको तो मरना ही नहीं, उसको तो शरीर बदलना है, मरना नहीं है। वो तो दिव्य है, डिवाइन है, वो डिविनिटी में से ही निकल के आया है, उसका अंत तो डिविनिटी में जाकर मिक्स होना है, इससे पहले तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो जो शाश्वत है वो सत्य है, और जो शाश्वत नहीं है वो सत्य नहीं है। सत्य बदला नहीं करते, सत्य शाश्वत हो। कोई ऐसा सत्य नहीं है जो कल कुछ और हो आज कुछ और हो गया, सत्य वही है जो आदिकाल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता है। परफेक्शन तो केवल परमात्मा को, मैं ये नहीं कहता तुम परफेक्शन के पीछे दौड़ो, लेकिन नियर परफेक्शन तो करो। परफेक्ट नहीं हो सकते, नियर परफेक्शन का अभ्यास करो, नियर परफेक्शन का संकल्प तो बनाओ। ब्रह्म नहीं हो सकते, ब्रह्म जैसे तो बन के देखो, और सवेरे उठ के किसी दिन अपने आप को समझाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ, अपने आप को समझाओ कि मैं केवल एक मैं हूं, दूसरा मेरे अंदर नहीं है, और मैं ब्रह्म स्वरूप। दस मिनट बैठो, 15 मिनट, वो जो दूसरा मैं है वो आके बार बार छेड़ेगा, बैठने नहीं देगा, लेकिन अपनी जिद पकड़ लो। 15 मिनट की कहानी है, 20 मिनट की कहानी है, 10 मिनट की कर लो, अपनी जिद पकड़ के बैठो कि तेरी सुननी ही नहीं है, मैं तो डिवाइन हूं।
एक महीना करो, वो भी समाधि लगाने लगेगा तुम्हारे साथ में, क्योंकि अभी उसने वो अमृत रस चखाई नहीं। उसको वो जरा सा मुंह को लगा दो, उसके बाद वो छोड़ेगा नहीं। हमने या उसको दुत्कारा है, या उसको पुचकारा है, या उससे नफरत की है, या उसको भगाना चाहा है, या उसको बहाना बना लिया है। ध्यान में 10 मिनट में उठ गई, क्या हुआ? कुछ ही दिमाग तो कहीं और, बहाना बना लिया उठने। वो दिमाग तो तुम आधा घंटा बैठो तो आधा घंटा कुछ और करता रहेगा, तो उसको करने दो, उसके पीछे पड़े क्यों? क्यों चाहते हो कि तुम्हारी माने वो? तुम उसकी सुनना ही छोड़ दो, और जब नहीं सुनोगे तो कब तक बोलता रहेगा? देखिए हमें तो बहाना चाहिए, चलिए छोड़िए जी, आज तो दिमाग बहुत परेशान है, बस इधर आज मतलब कि कट शॉर्ट ध्यान के कर दो, उससे लड़ो, ध्यान से लड़ पड़े। ध्यान को कट शॉर्ट कर दिया, माइंड को कट शॉर्ट नहीं कर सके, तो कहीं आपके संकल्प में कमी है। अपना संकल्प बनाओ। मैं हर बार यही बात कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, अपनी दिव्यता ढूंढ। ईश्वर ने किसी प्राणी को बिना दिव्यता के पैदा नहीं किया, क्योंकि कोई प्राणी पैदा ही तब होता है जब उसके अंदर आत्मा आती है, और आत्मा दिव्य है और कुछ नहीं, परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा है। वो परम आत्मा है, तुम आत्मा हो, बस परम का और परम ना होने का अंतर है। तो उसने दिव्यता दे के भेजा है, उस दिव्यता को डिस्कवर करना है, इसलिए मैंने कहा था उसको आइडेंटिफाई तो करो जिससे लड़ना है। तो आइडेंटिफाई करो कौन है जो हमारी दिव्यता की पहचान को, हमारी दिव्यता की आइडेंटिफिकेशन को रोक रहा है, उसको हटा दो। कैसे हटाना है ये निर्णय तुम खुद करो। एक एक विधि से नहीं हटता वो, जैसे जिद्दी बच्चे को बदलने के लिए कई विधियां चाहिए, उसी प्रकार से इसको भी, जिसको मन कहते हैं, ये बेसिकली चंचल है, इसका स्वभाव है चंचलता, ये बना ही चंचलता से है, तो इस चंचल बालक को कैसे फुसलाना है, कैसे धमकाना है, कैसे सीधा करना है, कैसे सहायक बनाना है, कैसे सहायक इस प्रकार से बनाना है कि ये आई जो है ये मी बन जाए, फिर दो नहीं नहीं एक ही हो, क्योंकि तलवार म्यान में एक ही होती है, दो नहीं आ सकती, घुसेड़ने से भी नहीं हो सकती, म्यान ही टूट जाए। तो दो तलवारें किसी म्यान में घुसाने की जो एफर्ट है, उससे टेंशन्स पैदा होती हैं, उससे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, उससे क्राइसिस पैदा होते हैं, उससे बेचैनी पैदा होती है, तो ये एफर्ट ही मत करो, रखो ही नहीं दो तलवारें, एक ही रखो, बड़ी धारदार रखो, ताकि जहाँ तुमने जरा सी छू दी वो काट के फेंक दे तुम्हारे सारे विकारों को, तुम्हें एकदम शुद्ध सोना बना। चलो अब ध्यान करते हैं। जिन लोगों को नाम नहीं मिला हुआ वो आंख बंद करके मन में गायत्री करेंगे, बाकी सब ध्यान।